दोस्तों, इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके आप स्टडी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम करा रहे हैं रेलवे की पूरी तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऐसे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न का थर्ड पार्ट लाया हूँ। इससे पहले भी मैंने इसका दो पार्ट अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। इंपॉर्टेंट बात को तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम जायसवाल और मैं अन अकेडमी में एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूँ। तो आप अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मेरे द्वारा बनाए गए लगभग सभी कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और MCQ जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, सभी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे और SSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी कोर्सेज आप देख सकते हैं आप अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करके, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर है फर्श यानी निचालक। वैसे प्रदूषकों को निचालक कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से भूजल में सीधे कचरे का निकास करते हैं। झरनों और बहावों में निचालकों की उच्च सांद्रता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? इसका राइट आंसर बात करें इसका राइट आंसर है सेकेंड यानी छींकने। PM20 प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविध पदार्थ होते हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोन से कम होता है। 10 माइक्रोन से बड़े कण सामान्यतः नाक श्वास प्रणाली द्वारा फिल्टर किए जाते हैं और इस प्रकार श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? इसका राइट आंसर बात करें इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया नामक मछली जिसे मच्छर मार मछली के नाम से भी जाना जाता है, मच्छरों के प्रकोप से बचाने में काफ़ी प्रभावशाली होती है। यह मच्छरों के लार्वा पर अपना पोषण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवेश ह्रास पर दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर है थर्ड यानी सब एडियाबेटिक। जब परिवेश ह्रास दर 5.5 के प्रति किलोमीटर से अधिक हो तब ऊर्ध्वाधर विक्षोभ की स्थिति होती है और वातावरण को स्थिर कहा जाता है। इस स्थिति को सब एडियाबेटिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी डार्विन। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तथा द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तकें लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? राइट आंसर बात की तो इसका राइट आंसर है थर्ड यानी वर्गीकरण। जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न गुणधर्म एवं विशेषताओं वाले जीव अलग अलग श्रेणियों में रखे जाएं। इस तरह से जीवों एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? राइट आंसर बात करें सर राइट आंसर है थर्ड यानी फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम पौधों द्वारा पौधों प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फोटोरिसेप्टर होता है। यह दृश्य स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप से
लाल और दूर तक लाल क्षेत्र का पता लगाता है और बीजों के अंकुरण को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल सुगंध छोड़ते हैं, राइट आंसर बात की इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कीटों को आकर्षित करने के लिए, परागण को आकर्षित करने के लिए फूल सुगंध छोड़ते हैं। सुगंध कीड़ों द्वारा फूलों, विशेष तौर से कीट परागण फूलों के स्थानीयकरण और चयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है, राइट आंसर बात की इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी एस्कार्विक अम्ल। मसूड़ों से रक्त स्राव को विटामिन सी के माध्यम से रोका जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड के बेतहतीत स्रोत से संतरे, नींबू और खट्टे फल शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था, राइट आंसर बात की इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग। विटेकर अमेरिका के प्रमुख पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1969 में संसार के सभी जीवों को पांच वर्गों, जीव जंतु, पादप, आदिजीव, फफूंदी और मानेरा में वर्गीकृत करने पर बल दिया। उन्होंने विकेटक जैव वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा, जो जैव प्रकारों तथा दो अजैव कारकों, तापमान और अवक्षेपण पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइटिनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं, इसके राइट आंसर बात करें इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कीट। फफूंदी की कोशिका की दीवारों का मुख्य घटक काइटिन कहलाता है। संधिपाद प्राणी जिसकी पीठ पर बना आवरण बहुत कठोर होता है, सामान्य पानी में रहते हैं, जैसे केकड़ा, समुद्री झींगा और मछली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है, राइट आंसर बात करें इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी टीनिया। टीनिया जीनस वंश से संबंधित एक ऐसा कीड़ा है जो आंतों में पाया जाता है, इसे फीता कृमि भी कहते हैं। इनमें परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग भी शामिल है जो पशुओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं, जो राइट आंसर बात की इसका राइट आंसर थर्ड, यानी शैवाल। अपमार्जक ऐसे जीव हैं जो जैव पदार्थों को नष्ट करने वाले, जैसे मांस या पौधों को सड़ाने वाले पदार्थों का उपभोग करते हैं। नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया को मारते हैं तथा पर्यावरण को बैक्टीरिया मुक्त रखते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र को उपचायकों से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ओवर सेकेंड, यानी अंतरिम आयु। अस्थि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के द्वारा नई हड्डियों का विकास किया जाता है। इसे अस्थि कोशिका प्रसू भी कहते हैं। यह अस्थि ऊतक निर्माण का पर्यायवाची है। वैज्ञानिकों के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक शरीर में हड्डियों का पूर्णतया विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतन यानी सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है, राइट आंसर बात करें इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी श्वास लेने की क्षमता। जीवित प्राणी ऐसे जीव होते हैं जो हमारे शरीर प्रकृति में तथा अपने आप में बदलाव का कारण बनते हैं। इस तरीके से वे अपने जीवन का सिलसिला तथा लंबे जीवन को बढ़ावा देते हैं। उनके पास श्वास लेने, घूमने तथा गुणन करने की योग्यता है। जीवित प्राणी में मानव, पौधा, कीड़ा तथा जानवर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है, इसके राइट आंसर बात की इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी आँख। माइओपिया निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा नेत्र रोग है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नजर आती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली या अस्पष्ट प्रतीत होती है। यह नेत्र विकार, कर्निया के बढ़ने, आंखों के सामने के पर्दे के टेढ़े होने पर उत्पन्न
होता है। इस नेत्र रोग का समाधान अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उसकी प्रायात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिकिन, यानी इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्रणाली का समुदाय है जिसके साथ पर्यावरण के निर्जीव पदार्थ में जुड़ा हुआ है जो इसका आवश्यक अंग है। जीवों के प्रकृति में जाति, कार्यकारी समूह तथा उष्णकटिबंधीय सतह है जो कार्यकारी तरीके को बताता है जिसे वे कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्श, यानी मुर्गी दाना। फीड कास्ट एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय लागत है जो पोल्ट्री लागत ज्ञात करने में एक सहज भूमिका अदा करता है। ऑपरेशन के स्तर तथा उत्पाद के आकार पर परिवर्तनीय लागत उठता तथा गिरता है। अस्थायी लागत जैसे कर, इंश्योरेंस, ब्याज, इमारतों तथा संपत्ति पर मूल्यह्रास लाभ नहीं होने पर भी लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी शकरकंद का कंद। आंशिक रूप से परिवर्तित तना एक पौधे का भाग होता है जिसके पास खास कार्य को विकसित करने के लिए खास आकृति होती है। यह भूमि के सतह के ऊपर या नीचे दोनों जगह पाया जाता है। सतह के ऊपर के परिवर्तित तना क्राउन, स्टोलोन, रनर या स्प्योर, सतह के अंदर के परिवर्तन तना बल्ब, कार्न, राइजोम, ट्यूबर तथा टेंडरील शकरकंद की जड़ कंदील जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्याड़िका क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी केचुआ। केचुआ और जोंक के सिर के नज़दीक शरीर के दीवार के बगल में ग्रंथिल होता है जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, जहां चिपचिपा थैली अंडे को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है। इसका मुख्य कार्य केचुओं के अंडे का संग्रहण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुअंडपी वियुक्तांडपी जायांगहीतिया से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सिकिन, यानी गुच्छेदार। समूह या पुंज फल फलों का ऐसा समूह है जिनका विकास बहुसंख्यक अंडक या मादा फूलों में पाए जाने वाले अंडाशय से होता है। वियुक्तांडपी बहुल जायांग वाले फूल से कोई स्वतंत्र अंडाशय की उपस्थिति के कारण बहुत से फल बनते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक एक फल उत्पन्न करने में सक्षम होता है। बेरी ऐसे ही फलों का एक अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पादप मरुस्थल की जलदाप स्थितियों में विकसित होते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड, यानी जीरोफाइट। जीरोफाइट पौधों की एक प्रजाति से संबंधित है जिसे रेगिस्तान के सूखे क्षेत्र के अनुकूल ढलने में वर्षों लग गए। लंबे समय तक अधिक मात्रा में पानी संग्रह कर रखने के परिणाम स्वरूप सूखे क्षेत्र में इसका अस्तित्व बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? इसके राइट आंसर बात की, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी सहलग्नता। जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बंधे होते हैं तो उनकी वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ ही होती है। इनको मार्गन से सहलग्नता कहा। आनुवंशिकी सहलग्नता जीनों की प्रवृत्ति है जो गुणसूत्र पर प्रत्येक दूसरे के समीपस्थ स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी कंपोजिटी। समान बोरल के लूज यूनियन की संरचना को कोहेशन कहा जाता है लेकिन आंतरिक उत्तकी यूनियन को कोनेशन कहा जाता है।
जब परागकोष एक दूसरे से संलयित होते हैं तो इस परिस्थिति को सिनजेनेसियन के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे कंपोजिटी लोबेलेसिया, इस संलयन को कोहेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्रंथि सूज जाती है या गले के चारों ओर सूजन हो जाती है, जिसे घेंगा, गलगन या गाइटर के नाम से जाना जाता है। पोलियो एक ऐसा वायरल संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैलता है। विटामिन डी की कमी से शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस बीमारी को रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीव तथा उनके वातावरण का और एक दूसरे से संबंधित जैव अजैव जीवों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञ अपने विषयों में मुख्य रूप से जीवों की विविधता, वितरण, एक विशिष्ट क्षेत्र में पौधे और प्राणियों का कुल भार या परिमाण, जनसंख्या तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों के बीच होने वाली प्रतियोगिता को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय किसके दौरान होता है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी स्थूल पट। क्रोमोजोम क्रॉस ओवर होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच जेनेटिक पदार्थ का विनिमय है, जिससे रिकम्बिनेट क्रोमोजोम तैयार होता है। यह जेनेटिक रिकम्बिनेशन की अंतिम अवस्था है जो मियोसिस के प्रोफेज वन के दौरान होती है। इस प्रक्रिया को सीनिपसीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी नेरियम कनेर। ऐसा माना जाता है कि कुछ खास घटनाओं में प्रोटोडर्मल कोशिका मल्टीफेरिएट या पेरिक्लिनली बांटता है। मल्टीपल इपिडमीज कुछ अंगों जैसे आर्किड के जड़, फिकस की पत्ती, नेरियम पीपलोमिया आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है? राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी फास्फोग्लिसेरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद एक थ्री कार्बन यौगिक होता है, जिसे फास्फोग्लिसरिक एसिड तथा फास्फोग्लिसरल डिहाइड्रल कहा जाता है। लगभग इसी समय तत्काल इनमें से दो एक साथ मिलकर ग्लूकोज अणु बनाते हैं। कुछ शासकीय पौधे जैसे गन्ना, कार तथा सोरघम आदि प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर बात की, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी बहुप्रभावी। जब एकल जीन दो या दो से अधिक फेनोटाइटिक ट्रेट्स के अभिव्यक्ति के प्रभाव में आता है तो इस ट्रेट्स को पीलियोट्रापीस प्रभाव कहा जाता है। जैसे टेस्टा सुट्योन पुरुष के विशिष्ट शारीरिक और सेकेंडरी लैंगिक गुणों के विकास को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं? राइट आंसर बात की, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी आद्भोदभिद। वनस्पति विज्ञान में हेलियोफाइट एक प्रकार का पौधा है जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में तेजी से बढ़ता है, जबकि छाया में तेजी से बढ़ने वाले पौधे को इसियोफाइट कहते हैं। हेलियोफाइट सियोफाइट की अपेक्षा तेज प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त करने में ज्यादा सक्षम है। हेलियोफाइट्स के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, गन्ना, सूर्यमुखी, मक्का आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य फसलों में ये शामिल हैं,
इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी खाद्यान्न दालें खाद तिलान। खाद्य फसलों से तात्पर्य कृषि उत्पादों से है जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। खाद्य फसलों के उदाहरण के अंतर्गत खाद्य अनाजों में गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सोयाबीन, सूरजमुखी, सोरगम तथा खाद्य तेलों में सरसों तथा सूर्यमुखी का तेल शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? इसके राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी इंसुलिन। बहिस्रावी ग्रंथि का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए अग्नाशय एंजाइम उत्सर्जित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी कंपनुकुंची गति। इस प्रकार की गतियां कंपन कुंची गतियां कहलाती हैं। ये गतियां किसी विशेष क्षेत्र की सेलों की स्थिति के दबाव के कम हो जाने पर उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी हाइबर लेट्स। 1885 में ऊतक संवर्धन के आधारभूत सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय बिल हेल्म रॉक्स को जाता है। यद्यपि सर्वप्रथम संभावित अलग ऊतक संवर्धन तथा पादप ऊतक संवर्धन की खोज ऑस्ट्रियन वनस्पति शास्त्री गॉटलिब हेबरलेट्स ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोंच किससे बनती है? इसका राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर सेकेंड, यानी चबड़े। यद्यपि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में सामान्यतः चोंच का आधार और आकृति एक समान ढांचे पर आधारित होती है, सभी चोंचों में दो जबड़े होते हैं, प्रायः ऊपरी हिस्से को ऊपरी मैंडिबल या मैक्सिल तथा निचले हिस्से को निचला मैंडिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन्ना कड़पाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी स्तन पाई। बाह्य कान या पिन्ना केवल स्थली स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। इनके बाह्य कान पीले रंग के हल्के प्रत्यास्थ उपास्थि के बने होते हैं जो एक आवरण से ढके रहते हैं और स्नायु तंत्र तथा मांसपेशियों से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी अंतःपरासरण। जब पौधे की कोशिका को हाइपोटानिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पौधे की कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं और फूलने लगती हैं, लेकिन कोशिका की दीवार इसे फटने से बचाते हैं। पौधे की कोशिका फूल कर सूज जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। इस प्रकार अंतः परासरण के कारण कोशिका फूल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी अवशोषण। जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता के जल अवशोषित किया जाता है तो यह प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं है अंतः शोषक कहलाते हैं। यह बीज के अंकुरण का पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड, यानी अल्प पर परासरण दाबी घोल। जब एक कोशिका को हाइपोटानिक विलयन में रखा जाता है तब जल पौधे की झिल्ली में पहुंचता है और कोशिका का परिमाण बढ़ जाता है। अंतः कोशिका की झिल्ली के बढ़ जाने से यह कोशिका की कठोर दीवार को धक्का देती है। ऐसी स्थिति में कोशिका फूल अर्थात सूज जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का स्थानांतरण है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी वन और टू दोनों।
पौधों में घुलनशील जैविक पदार्थ को वहन करने की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। कभी कभी इसे आत्मसात करना भी कहते हैं। सिम्प्लास्ट और एपोस्प्लास्ट को वहन करने का कार्य पौधों के ऊतकों और जैविकों द्वारा किया जाता है। पौधे के प्रस्तर पट्ट में जल के माध्यम से पहुंचता है तथा जाइलम तक जल एप्रोलास्टिक रूट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? इसका राइट आंसर बात की, इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी फेडिलिक्स डी हेरेली और फ्रेडरिक पोर्स। जीवाणु भोजी से तात्पर्य विषाणुओं के ऐसे समूह से है जो जीवाणुओं को संदूषित करते हैं। जीवाणु भोजी की खोज फेलिक्स डी हेरली और फ्रेडरिक ट्वाट ने ग्रेट ब्रिटेन में सन 1915 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? राइट आंसर बात की, इसका राइट आंसर थर्ड यानी गेहूं। गेहूं के एक बीज पत्री रक्षक कोशिकाएं डंबील बेल आकृति की होती हैं। गेहूं में रक्षक कोशिकाओं का केंद्रीय भाग संकीर्ण और उसके दोनों सिरे कंदीय होते हैं। गेहूं में रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के साथ संलग्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है सेकेंड यानी अंतः पराशर। पोटेशियम धनात्मक आयन सिद्धांत के अनुसार रक्षक कोशिकाएं अपने चारों ओर प्रकाश संश्लेषण के कारण एटीपी उत्सर्जित करती हैं तथा कोशिकाओं से पोटेशियम घनात्मक आयनों की अवशोषित करती हैं जिससे ये कोशिकाएं हाइपरटोनिक हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सिकिंग यानी बाहरी गलफड़ों से। मेंढक का बच्चा मछली के सदृश होता है जो बाह्य गलफड़े के द्वारा श्वास लेता है। वयस्क मेंढक अपने फेफड़े से श्वास लेते हैं तथा गैसों का विनिमय अपनी त्वचा और अपने मुख के अस्तर द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ यानी विष। शब्द वायरस लैटिन शब्द वायरस से लिया गया है जो विष सा हानिकारक पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। वायरस एक छोटा संक्रामक कारक होता है जो केवल दूसरे जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के अंदर प्रतिवलित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उप त्वचा किसमें नहीं होती? इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर थर्ड यानी रूट। पत्ते तथा तने की बाह्य संरचना एक पतली परत के द्वारा घिरी रहती है जिसे उपचर्म कहते हैं। यह मोमी पदार्थों से बनते हैं जिसे क्यूटीन कहा जाता है। यह जल के अधिकतम वाष्पीकरण को रोकती है। उपचर्म जड़ों की बाह्य त्वचा में अनुपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वेशी विभाजयोतक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फोर्थ यानी आंतरिक नोड। अंतर्वेशी विभाजयोतक एक बीज पत्रीय तना में पर्वांतर के आधार पर स्थित होते हैं। इसमें केवल अग्रस्थ विभाजयोतक सक्रिय होते हैं। यदि तना के नोक को हटा दिया जाता है तो सबसे ऊपर की अक्षुण्णता अंतर्वेशी विभाजयोतक शीर्षस्थ विभाजयोतक बन जाती है तथा अंतर्वेशी वृद्धि शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर बात की, इसका राइट आंसर थर्ड यानी जैव ईटे। ग्रीन ब्लॉक्स पूरे प्रतिवेश में कई खंडों में सम्मानित हरित खंड के निवासी अपने आसपास की सुंदरता जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छता में वृद्धि के लिए हरितिमा बनाए रखने का प्रण लेते हैं। इन्हें बायो ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4D किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी खरपतवार नाशी 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड।
का प्रयोग बड़े पैमाने पर खरपतवार नाशी के रूप में बड़े पत्तों वाली फसलों जैसे धान की फसलें, चाय के पौधों, गन्ने के खेतों, फल के बगीचों इत्यादि में किया जाता है। पूरे विश्व में इसका प्रयोग मुख्य रूप से खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।